कारोबार उत्पीड़न के पहले बेरोजगारी की वर्तमान दर, बेरोजगारी की वर्तमान दर, बेरोजगारी की वर्तमान दर पीछे रखे थे, बाद में उसका भी लिख लीजिएगा आप लोग। बेरोजगारी दर ठीक है 1516 ठीक है लिख लीजिए। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर आयोजित होने वाली प्रत्येक 5 वर्ष पर आयोजित होने वाली अंतिम उपलब्ध 5वीं वार्षिक रोजगार डैश बेरोजगार अंतिम उपलब्ध 5वीं वार्षिक रोजगार डैश बेरोजगार सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार बेरोजगारी की दर निम्न है। अब लिख लीजिए यूपीएस को समझ रहे ना है? यूपीएस का मीन्स क्या हुआ? मैंने बताया था यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। बहुत अच्छा आपकी मेमोरी अच्छी है। तैयारी करना क्या अनुराधा बताओ? भूल गए थे। बताओ तो कैसे क्या मिल ठीक है ना। देख लीजिए बेरोजगारी की दर कहाँ, बेरोजगारी दर ठीक है ग्रामीण और शहरी, उसके बाद कुल 3 का है। यूपीएस के अनुसार 5.1% ठीक है, शहरी में 4.9% कुल 5% ठीक है। अब बेरोजगारी की दर पुरुष ये कुल बेरोजगारी थी, इसमें केवल पुरुष के निकालेंगे, पुरुष की थी 4% ग्रामीण, महिला 8.7% और कुल 6.3% और महिला बेरोजगारी दर इतना ग्रामीण और शहरी छोड़ देंगे।
ये यही आंकड़ा जो भाई सर्वे दिया गया है वही तो लिखाएंगे, अपने से तो लिखा नहीं दें कुछ भी, जो कुछ भी हो वही लिखा दो, है कि नहीं? जो सर्वे आंकड़ा जो बताएगा वही बताएंगे आपको, है ना? अब आपका जो सर्वेक्षण का आधार था क्या, रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण, ठीक है ना? और पांचवी गणना की गई थी, इसके बाद ये लास्ट थी, इसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना? और ये किस पर आधारित थी, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर था। अब इसके स्थान पर आ गया है दूसरा इंडिया, छठवीं वार्षिक रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण रिपोर्ट दिसंबर 2018 में जारी होना था, लेकिन इसे भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2018 में जारी होना था लेकिन इसे भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया, भारत सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, इसको बोलेंगे पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वेक्षण, सर्वेक्षण को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा एमएसओ द्वारा जारी किया गया था, ठीक है ना? अब क्लियर हुआ आप लोग का, क्योंकि अभी पूछे जो भी आंकड़ा पूछे जाएगा आपको रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण के द्वारा नहीं बल्कि पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वेक्षण, और इसको कौन जारी करता है, एनएसओ, ठीक है ना? क्लियर है ना? और इसका साठ भाग में अगर पीएलएफएस आ जाएगा तो अगर ये पूछ लगा पीएलएफएस किससे संबंधित है तो बेरोजगारी सर्वेक्षण, ठीक है ना? ये बेरोजगारी के अनुमान लगाने से, ठीक है ना? और किसके द्वारा होता है, एनएसओ के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, ठीक है ना? अब इसमें लिख लिए कुछ लोग आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी एफपीएलएफएस के विषय में लिख लीजिए कुछ लोग दो चार लाइन। जी सर, हाँ सर अभी मैं क्लास में हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसे हो जाएगा। हाँ क्लास ले रहे हैं सर, फिर देखा लेते हैं, बाधा नहीं, मंत्री पहले देखना है सर ना जी, दीदी से हाँ इसीलिए तो आगे सर बाधा भी है ना, तो एक घंटे बाद खाली हो जाएगा सर। हाँ ठीक सर, क्या हम बोल रहे थे, पीएलएफएस।
श्रम सांख्यिकी के संकेतों के अनुसार श्रम सांख्यिकी के संकेतों के अनुमान को सृजित करने के लिए PLFS को वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है जबकि EUS EUS इसका क्या मतलब है EUS अभी मैंने लिखाया तो है आपको E का मतलब employment और U का मतलब unemployment employment unemployment सर्वे बेरोजगार रोजगार सर्वेक्षण क्या होता है employment and रोजगार अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार एस सर्वेक्षण इसको आपने लिखा था अभी किसी को समाप्त किया गया है यही जो आंकड़ा आपका 15-16 के बाद आंकड़ा नहीं उपलब्ध हो पाया था फिर छठवीं होने की 18 में लेकिन 18 में नहीं किया गया क्यों तब तक उसको समाप्ति कर दिया गया उसके स्थान पर पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे को ऑर्गेनाइज किया गया ठीक है ना कल क्या आपने का आयोजन 5 वर्ष में एक बार किया जाता है 5 वर्ष में एक बार किया जाता है इसका अभिप्राय क्या हुआ कि ईयू का जो था आंकड़ा हमेशा 5 साल पीछे के बताता था भाई 5 साल का था उसमें अगर हम पिछले साल का पता करना चाहें तो नहीं हो पाता था और फिर 15 में जैसे हो गया आंकड़ा फिर 20 में मालूम होगा फिर 20 में हो गया तो फिर 25 में मालूम होगा तब तक कोई पुराना डाटा हम पढ़ते रहते हैं इसमें क्या हो गया कि पर ईयर वार्षिक रूप से इसको हम जारी किया जाता है कि कितनी आपकी बेरोजगारी है और कितनी रोजगारी है ठीक है ना ये अंतर है दोनों में दूसरा पॉइंट लिख लीजिए PLFS PLFS NSO द्वारा आयोजित किया जाता है जबकि EUS EUS श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता था श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता था इन दोनों में अंतर समझ में आया EUS और PLFS में क्या अंतर है खत्म हो गया लेकिन किसे के द्वारा जारी किया जाता था रोजगार एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ठीक है ना और PLFS NSO द्वारा ठीक है इसलिए देखिए मैं पूरा दो बार लिखा दिया इसको नहीं आप देखिए आप भी तेज होते हैं और आपके सामने बैठने वाला भी तेज होता है आप ऐसे कंफ्यूज करते हैं और आप पीछे हो जाते हैं कल से और अगला उसमें दाखिल हो जाता है और मेंस क्वालिफाई करेगा और सेलेक्ट हो जाएगा और आप प्री में ही एक क्वेश्चन की गलती से बाहर हो जाएंगे है ना तो एक IAS अधिकारी जो पीसीएस अधिकारी होता है बहुत सिंसियर होता है कि आप पहले क्या कहता है व्यक्ति उसको सुनता है उसके बाद फिर ग्रहण करता है उसको फिर मनन करता है फिर तब बाहर निकलता है तब बोलता है सबसे बड़ी एक अधिकारी क्वालिटी क्या होती है और आप क्वालिटी हम कुछ बोले नहीं पूरा होगी नहीं आप बोलना शुरू कर जवाब देना शुरू कर दिए
और अधिकारी वर्ग क्या होता है कि पहले आपकी पूरी बात को सुन देगा और नोट करता जाएगा साथ में, फिर तब वो बताएगा अपनी बात को और आपको सजेशन देगा क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कार्रवाई करनी है क्या कार्रवाई नहीं करनी है, पॉलिसी देगा। तो आज के अधिकारी होते हैं तो आप सबसे पहले बोलने से पहले आप सुनिए ध्यान से। और विवेकानंद ने भी कहा है कि जो सुनने की क्षमता है जिसकी प्रबल वही अच्छा बोल भी सकता है, जब सुन ही नहीं सकता तो जवाब भी नहीं दे सकता बोल भी नहीं सकता है। तो सबसे पहले क्लास में हो या कहीं कोई भी बात हो कोई भी लेक्चर हो तो पहले उसे ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनने के बाद फिर तब आप अपने रिप्लाई दीजिए। नहीं तो अब जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप पहले सिंसियरली पढ़िए तब आप आंसर दे पाएंगे और सभी रूप से पढ़ते चलेंगे और टिक मारू कट से सही है नहीं है बस इतने में ही दो चार क्वेश्चन आप गलत हो जाते हैं। ये क्वेश्चन ये मिसमैच सही है नहीं है गलत है सही है, कम से कम 15-20 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से दो चार क्वेश्चन आप उड़क जाते हैं और फाइट से मार जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सिंसियरली आप क्वेश्चन बहुत आसान होता है घुमा देता है थोड़ा सा और आप जल्दीबाजी में करके फट से टिक मारो और आगे बढ़ गए और जब टिक मार लिए और घर आए देखे अरे ये तो इतना आसान क्वेश्चन मुझसे गलत कैसे हो गया, इतना आसान क्वेश्चन मुझसे गलत कैसे हो गया 5 क्वेश्चन, ये तो किसी के भी सही होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सिंसियरली उस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं और जब क्वेश्चन को नहीं पढ़ा जब अधिकारी भी बन जाएंगे तो किसी की बात को आप सिंसियरली सुनेंगे नहीं तो उसका आंसर भी नहीं दे पाएंगे उसको सही। तो आपकी कार्रवाई पॉलिसी जो होगी, जब बड़े अधिकारी बन जाएंगे पॉलिसी मेकर बनते हैं आप, सिविल सर्वेंट क्या होता है वो पॉलिसी मेकर होता है, तो पॉलिसी कैसे बनाएंगे आप? तो क्वेश्चन के पुटअप करने का आपके पढ़ाने लेक्चर का, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सोशियोलॉजी वाला भी पढ़ेगा साइंस वाला भी पढ़ता है तो दोनों में डिफरेंट क्या है, लेकिन सबकी टीम सोचने का तरीका एक होना चाहिए। ठीक है ना, कि जो पढ़ाया जा रहा है आपको जो लिखाया जा रहा है आप कितना सिंसियर ढंग से उसको पढ़ रहे हैं और आंसर दे रहे हैं कैच कर रहे हैं, इस यही आपके सिलेक्शन के दम होता है। अभी मैं मीटिंग में था, माननीय मंत्री जी बोल रहे थे कि अभ्युदय के द्वारा 43 लड़कों ने PCS में सिलेक्शन लिया है, इसमें कि डिप्टी SP SDM के हैं और कुछ लोग जो हैं बस 5 या 8 जो है वो अन्य सर्विसों में भी आ गए, लेकिन मैक्सिमम जो है कि सर अभ्युदय वाले था इसका जवाब कितना अच्छा है। बस अब सिंसियरली आप कितना मोटिवेटिव होकर के कितना सिंसियर होकर आप उसको पढ़ रहे हैं, इंतजार कितना कर रहे हैं, ये आपके ऊपर। ठीक है, चलिए आगे क्या पढ़ रहा था, देखिए 17-18 अवधि के लिए पहला PLFS मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के स्थान पर, मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के स्थान पर शिक्षा स्तर को कसौटी मानकर आयोजित किया गया, कसौटी मानकर आयोजित किया गया, जबकि EUS के अंतर्गत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय को मासिक प्रति व्यक्ति व्यय की कसौटी को कसौटी का प्रयोग किया गया, यानी क्या अंतर हुआ डिफरेंट दोनों में? दोनों में क्या डिफरेंट हुआ है US और PLFS में? शिक्षा को सचिव बनाया,
इसमें मासिक प्रतिवर्ती व्यय को माना गया है, ठीक है ना। ये डिफरेंट पहले समझ में आना चाहिए आप लोगों को, और क्वेश्चन इसी से बनेगा इस आने वाले क्वेश्चन में यूएस और पीएलएफएस में, ठीक है ना। आगे चलिए, देखिए पीएलएफएस के लिए, पीएलएफएस के लिए तकनीक का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग वर्ल्ड बैंक कंप्यूटर, वर्ल्ड बैंक कंप्यूटर असिस्टेंट, असिस्टेड पर्सनल, असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग, इंटरव्यूइंग पोस्ट में सी ए पी आई हो जाएगा क्या इसका अपना कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग, ठीक है। के समाधान पेपर के समाधान प्लेटफॉर्म के उपयोग द्वारा किया गया, के उपयोग द्वारा किया गया यह पीएलएफएस में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण नेशनल सैंपल सर्वे द्वारा पहली बार, द्वारा पहली बार प्रारंभ प्रमुख हस्तक्षेप है, प्रारंभ प्रमुख हस्तक्षेप है ऐसा ईयूएस में कभी नहीं किया गया, ऐसा ईयूएस में कभी नहीं किया गया। अब लिख लीजिए पीएलएफएस दो प्रकार का डेटा सृजित करता है, दो प्रकार का डेटा सृजित करता है। पहला त्रैमासिक आंकड़ा, त्रैमासिक आंकड़ा, ठीक है, और दूसरा वार्षिक आंकड़ा, दूसरा वार्षिक आंकड़ा। इसके अंदर लिख लीजिए दो लाइन, सीडब्ल्यूएस में लिख लीजिए त्रैमासिक में जो वर्तमान साप्ताहिक अवस्था, जो वर्तमान साप्ताहिक अवस्था यानी करंट वीकली स्टेटस सीडब्ल्यूएस, CWS में केवल शहरी क्षेत्र में, केवल शहरी क्षेत्र में क्या
केवल शहरी क्षेत्र। आपने त्रैमासिक आंकड़े में बताया है जो वर्तमान साप्ताहिक अवस्था CWS में केवल शहरी क्षेत्र में श्रम बल भागीदारी और रोजगार की स्थिति को व्यक्त करता है। दूसरा वार्षिक आंकड़ा भागीदारी तथा रोजगार की स्थिति को व्यक्त करता है। कोई कुछ जो हम देख के नहीं बोलते ना वो फ्लो में चौका चला जाता है जी। आपने किया तो सही है नहीं तो फिर उसको फिर रिमाइंड करना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है। आगे चले श्रम बल और मानव पर वार्षिक आंकड़ा में श्रम बल अनुमानों पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए श्रम बल अनुमानों पर ग्रामीण और शहरी यूजुअल स्टेटस और CWS दोनों के प्रमुख मापदंडों को मापने के लिए होते हैं। शहरी बेरोजगारी दर सात दशमलव सात प्रतिशत से घटकर 7% हो गई। ग्रामीण बेरोजगारी दर ग्रामीण बेरोजगारी दर 5% से घटकर 4% हो गई। पार्टिसिपेट ठीक है भागीदारी में श्रम बल भागीदारी दर देख लीजिए इसमें दो लाइन। यह 19-20 के दौरान बढ़कर 40% हो गई। 19-20 के दौरान बढ़कर 40% हो गई जो कि 18-19 में
37.5% थी, 37.5% थी। महिला सहभागिता दर, महिला सहभागिता दर, महिला सहभागिता दर 19-20 में यह बढ़कर 19-20 में यह बढ़कर 22.8% हो गई। जो एक साल पहले था 18% थी, जो एक साल पहले 18.6% थी। मजदूरों का जनसंख्या अनुपात, मजदूरों का जनसंख्या अनुपात, मजदूरों का जनसंख्या अनुपात 18-19 में 35.3% से तुलना में 35.3% की तुलना में 35.3% की तुलना में 19-20 में बढ़कर 38.9 यानी कि 39% हो गया, या सीधे देखिए 39% हो गया। ठीक है, क्योंकि हम उसमें कभी नहीं पूछता है कि 8% क्या होगा, सीधे सीधे 38.9 कितना 39%। ठीक है ना, तो आप बोलिए 39%। ठीक है,
सकता फिजिक्स भी आ रहे हैं, हो सकता है मैडम भी आ रहे हैं समाज कल्याण, ठीक है। कह रहे हैं कि आप उनके क्लास खोलिएगा नहीं, बच्चों को भी दुख। अब भाई देखिए जो अधिकारी ऊपर के हैं उनके आज्ञा का पालन किया जाए, लेकिन आपको फायदा ही मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बड़े बोल नहीं हो रहे है कि नहीं जी सर, आपके फायदे की बात करूँगा मैं है कि नहीं। और हमारा पढ़ाना तभी सार्थक होगा जब आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो, और बेहतर तो ये सिलेक्शन हो कि आप IAS और PCS में आ जाए, जैसे सिविल सर्विसेज में आ जाए, टॉप IAS रैंक में आ जाए, DM बन जाए, फिर SDM बन जाए, डिप्टी SP बन जाए, IPS बन जाए, तब तो मैं मानूँ कि हमारा पढ़ाना सार्थक होगा और आप लोग की पढ़ने की सार्थकता है। और वो भी आप सोचे कि ये सिविल सर्विसेज की तैयारी एक दिन की नहीं होती है, कंटिन्यू आपको साल डेढ़ साल दो साल तक कंटिन्यू एक ही गति से आपको चलना पड़ता है। 8 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे वो बुखार के पीरियड में हो तब भी। और सामाजिक कार्यों को थोड़ा सा आप इग्नोर करेंगे तब आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे मौसी की लड़की की शादी हो गई, 4 दिन चले गए, 6 दिन हैं फिर कवर कर लेंगे, वो 6 दिन कभी आप कवर नहीं कर पाते, वो 6 दिन कभी आप कवर नहीं कर पाते, उससे इग्नोर करके आप सोचिए कि थोड़ा सा आप अपना पढ़ लीजिए, क्योंकि टाइम शेड्यूल जो है उसमें 6 दिन की बिल्डिंग नहीं हो पाएगी। आप उनका फिक्स पॉइंट पर जिस डेट में एग्जाम हो वो होगा, उसके 6 दिन में आप कितना दोहरा पाते हैं, कितना पढ़ पाते हैं, ये आपको तय करना होता है। अगर गए भी हैं तो पढ़ने का तो एक अक्षर से वास्ता नहीं होता है, कहीं भी आप जाते हैं जैसे, जब तक ज़्यादा नहीं 2 साल अगर कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप 22-23 की उम्र में ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो ऐसे 8-10 साल करते रहिए और सामाजिक कार्य भी करते रहिए, घर का भी काम करते रहिए, लेकिन आप कहीं मैं तैयारी तो करते हैं लेकिन कुछ नंबरों से नहीं जाता है, उसका रीजन नहीं क्या, तैयारी तो करते हैं कुछ तो जल्दी जल्दी में कुछ होगा, कॉन्फिडेंस के लिए तो पढ़ा हुआ ग्रोथ हो नहीं सकता है, लेकिन जब बाहर आते हैं और उसके शब्दों को ध्यान देते हैं, शब्दों को तब मन में स्थिरता होती है, तब क्या होता है एंजाइटी नहीं होती, कितना जल्दी कर जाए, कितना ज़्यादा कर जाए, है ना, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन से मुक्त हो जाते हैं, तब वही क्वेश्चन पढ़ते तो कहते हैं ये वो कहो कैसे क्या ये मुझसे हो गया, और वही आपको फिर तो डिसीजन मेकिंग करना है तो पेशेंस भी और कंटिन्यू लग। हम आपको गाइडलाइन ही देंगे लेकिन पढ़ना आप कितना पढ़ पाते हैं, 4 घंटा पढ़ पाते हैं, कितना 4-5 घंटा पढ़ पाते हैं कि नहीं, आप लोग डेली 4-5 घंटा पढ़ लेते हैं और जानते हैं 100 की भीड़ है, यानी सिविल सर्विसेज परीक्षा पूरे इंडिया में 10 लाख लोग बैठते हैं, और पद कितना होता है 1,000 सिविल सर्विसेज में, इसमें 1,000 होते हैं, कितने बच्चों लोगों को आपको डिफीट करना है, 10 लाख बच्चे हैं और 10 लाख में अगर बता कहा जाए कि 1 लाख में एक बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा तो गलत तो नहीं होगा, 10,000 के बच्चों की संख्या में 1,000 को चुनना, 1 लाख में 10 लाख में बोलिए कितना आंकड़ा बैठा, रीति तो उतनी ही है, तो कितने बच्चों को, और वो बच्चे आपके केवल महाराष्ट्र स्तर के नहीं हैं, वो ऑल इंडिया रैंक है। और आप सोचते हैं कि हम किस 8 साल से हैं और उसमें बैठने वाले बच्चे IIT के, मुंबई के, दिल्ली के, रुड़की के, केरल के टॉप लेवल के जो है MBA के लड़के बैठेंगे, और कम से कम उनको पढ़ने का तरीका मालूम होता है, क्योंकि 8-10 घंटा 12 घंटा मेहनत करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, लेकिन निकालते किस तरह से जाते हैं, IIT का लड़का जो है, मेडिकल का लड़का ताजुब होता है कि सोशियोलॉजी से निकालता है वो भी टॉप पर आता है, DM पर पाता है, सोशियोलॉजी से निकालेगा, हिंदी से निकालेगा, हिस्ट्री से निकालेगा, बताइए। और आप लोग कैसा पढ़ते हैं, वो तो मात्र साल भर पढ़ेगा, 6 महीने पढ़ता है, क्योंकि उसका सब्जेक्ट कभी नहीं होता वो, क्योंकि शुरू से वो IIT में होता है, है ना, मेडिकल प्रोफेशन से होता है, BTech होता है,
और आपका सब्जेक्ट लेकर के आपको एक पछाड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसके पढ़ने की स्ट्रेटजी जो है तरीका कम समय में ज्यादा पढ़ करके हटा करके उससे पास हो क्या चाहता है सिविल सर्जन, ये नहीं सो आप कितना क्या नहीं देखता, हम क्या चाहते हैं आप कितना जवाब दे पाते हो वो ये देखता है। आपका सोल्यूशन ये होता है ना कि प्री में कितने क्वेश्चन आपने सही किए और मेंस में जो उसने क्वेश्चन पूछा है क्या उतना ही आपने टू द पॉइंट जवाब दिया है कि नहीं दिया है। आप घास फूस कुछ भी भरे उसमें पूरा करके भरते उसे नंबर पर पास हो गया, वो भी टू लेवल पर आपकी किताबें कापियाँ जाँची जाती हैं फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड और दोनों के औसत मार्क निकाले जाते हैं। जैसे मैं एग्जामिन करूँगा इकोनॉमिक्स की तरफ प्लस कोई प्रोफेसर बॉम्बे का होगा वो भी जाँचेगा तो मुझे भी नहीं पता है ना उसको ये पता है किसने पहले बार जाँचा है कितना जाँचा है सही जाँचा है गलत जाँचा है तो दोनों ने जो जो नंबर दिए और दोनों का औसत मार्क निकाला जाएगा या दोनों ने बराबर नंबर दिए तो वही या दूसरे ने कम नंबर दे दिया कि ना ये तो गलत है उन्होंने ज़्यादा नंबर दे दिया तो अगर उतना के फिर दोनों का औसत मान दिया जाएगा। ये आपके साथ परसेंट नहीं की जाती लेकिन आपको सबसे बड़ा है कि कैसे आप पढ़ते हैं पेपर कितने समय पढ़ते हैं। पेपर पढ़ने के लिए 15 से 20 मिनट लगता है पेपर ऑडिटोरियल कितने लोग पढ़ते हैं 2, 3, 4, 5 लेकिन कंटिन्यूटी आपकी बनी होनी चाहिए और पढ़ने के साथ साथ आप नोट करते हैं कि नहीं हैं नोट नहीं करते हैं बनाते हैं ना जैसे आर्थिक भी कभी आता है कभी इकोनॉमिक भी आता है तो कभी सोशल का आता है कभी पॉलिटिकल का आता है तो कभी क्या मनोवैज्ञानिक आता है ना सामाजिक आ जाता है राजनीतिक आर्थिक भी आता है तो चारों क्षेत्र कभी खेल का तो पूरा ही आता है है ना नेशनल का जो आप तैयार करते हैं क्या करंट अफेयर जी अगर जो नियमित रूप से 1 घंटा पेपर पढ़ता है ऑडिटोरियल और गेम और वो तो उसको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है बस वो लिखता जाए कि आज किसके किसके बीच में क्रिकेट का मैच हुआ फीफा वर्ल्ड कप किसके किसके बीच में हुआ कौन हारा कौन जीता कौन किसको क्या मिला यही तो ग्रैंड स्लैम चारों का वो याद कर लेगा एक दिन में याद करेगा भूल जाएगा लेकिन कंटिन्यू पेपर पढ़ करके लिखता जाएगा तो वो कभी नहीं भूलता है कि ग्रैंड स्लैम में कौन जीता है ना चार ग्रैंड स्लैम है अमेरिकन है फ्रेंच है और ऑस्ट्रेलिया है और एक विंबलडन है तो ये चारों चीज आपको याद होना चाहिए। ये पूछ रहे कभी फीफा कप किससे संबंधित है टेनिस क्रिकेट फुटबॉल हॉकी तो जो जानता है भाई पेपर पढ़ता रहेगा उसको याद है नहीं ये तो फुटबॉल का हुआ था यहाँ पे वो जीता था आपके माइंड में आ जाएगा लेकिन आप किताब पढ़ के रटेंगे उसको तो आप रट ही नहीं पाएंगे भूल जाएंगे कन्फ्यूज कर जाएंगे क्रिकेट है कि वॉलीबॉल है कि फुटबॉल है कन्फ्यूज करके पूछ लेंगे भाई क्रिकेट का तो नहीं हो सकता है तो हॉकी पर लगा दो अब तुक्का मारते हैं तो तुक्का क्या होता है मैक्सिमम गलत तो होता ही है प्लस आपका 1/4 नंबर भी काट ले जाएगा तो ऐसे तुक्का से बचा कीजिए ऐसे तुक्कों से। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जो आप लोगों ने पढ़ा होगा किस प्रकार के क्वेश्चन थे जो ऐसे पूछे गए थे वो क्वेश्चन बनाए गए थे देखा नहीं आप लोगों ने इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल आई से स्टैंडर्ड के थे पूरे क्वेश्चन आई से टफ थी ना तो कितना समझ में आ रहा था टेस्ट हर सैटरडे को टेस्ट होता है इस बार नहीं हुआ था यहाँ 15 दिन पर टेस्ट हो जाता है इस सैटरडे को पिछले बार नहीं हुआ था अच्छा तभी हमको जो नहीं दिया सर आपने पेपर नहीं भेजा पिछली बार भेज दिया था मैंने हाँ तो वही बोला इस बार दिए थे नहीं वो भी पढ़ाए थे जो कंटिन्यू पढ़ाया था उसी में से मैंने क्वेश्चन पूछा था अलग से नहीं कुछ पूछा था जो एक आध क्वेश्चन के पीछे जो मैं देख लेते कर पाते कि नहीं कर पाते हैं तो उसका मींस नहीं निकाल पाते तो बस वो गलत हो जाता यही इसीलिए मैंने कहा कि जिस लेवल की आप पढ़ाई कर रहे हैं उस लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए आपकी समझदारी होती है कि आपकी सब्जेक्ट कितना पढ़ पा रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन करने में गलत ये हो गया आप लोग
नहीं तो आप उसको समझिए ना, पढ़िए। तो इसे मैं कहना चाहिए कि पढ़िए, जो ना समझ में आए आपसे पूछ लीजिए, है कि नहीं। मैं कहता हूँ कि सप्ताह में यहाँ का टेस्ट होता है, आप PCS का और IAS का सॉल्व पेपर ले लीजिए, अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व आता है ना, तो उसको क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन मत देखिए, कल क्वेश्चन देखिए और उसके आप देखिए और उसको आप हल कीजिए। देखिए आप कितना पानी में है आपको पता चल जाएगा, कितने क्वेश्चन आप हल कर पाते हैं, हाँ कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप, या आपको अपना मूल्यांकन स्वयं हो जाएगा, है ना। ये तो जो भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, सबसे मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ वो उस स्टैंडर्ड के नहीं है जो PCS लेवल के होते हैं और IAS लेवल के। भाई मैं तो हमारा क्वेश्चन उसी लेवल पे आता है, लेकिन कितना समझ पाते हैं तो वो आप लोग बताइए हमको ना। क्योंकि आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है, और सबसे ज्यादा NCERT में नहीं आप लोगों ने पढ़ा, टेक्नोलॉजी समझ में आ गया। वैसे 6 से लेकर 12 तक आप NCERT ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, तो एक बार आप पढ़ लीजिए और फिर क्लास में आ जाइए, तो आपको मैक्सिमम चीजें आपको कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, फिर घर जाकर के आप उसको दोहरा लीजिए, आपको याद हो जाएगा, फिर दोबारा कभी रिपीट करना होगा बस आपको। तो आपको क्या तैयारी करने की स्ट्रेटजी आपको मालूम हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। अपन पेपर में एक बार पढ़ लेते हैं, जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि हुई, वार्षिक त्रैमासिक में वार्षिक वृद्धि कम होने का अनुमान है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, उसको आपने पढ़ा तो आपको समझ में आ जाए कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, GDP में कितने प्रकार की वृद्धि हुई, कमी हुई, GPA का प्रयोग किया जाता है, तो GPA क्या है, दिमाग से तो भूल गए होंगे आपको, क्या है GPA? वही करें, क्लास जब नहीं लिए हैं तो इसलिए नहीं समझ में आता है, तो क्लास लेते रहेंगे, जो मैं पढ़ा दिखा दिया हूँ उसको कम से कम रिपीट करते रहिए, एक बार रिवाइज करते रहिए, तो आपको नहीं भूलेगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए। आइए सर, अच्छा कुछ करना है आप? नहीं, सर आ रहा है ये सब बहुत अच्छा है। अभिषेक सर, वो आप लोग को अपनी बार से पढ़ाएंगे क्या, आपकी बार से आप लोग पढ़ाएंगे क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं वो सर वो डिसाइड नहीं हुआ था कि कौन सा सर, लॉजिक तर्क तर्क सी सेट सी सेट अच्छा पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक सर भी पढ़ा दिया करेंगे, ठीक है ना। आगे सर, ऑनलाइन कितने ऑनलाइन क्लास ओवर हो गई सर, हाँ क्लास ओवर,